इमन ने धोखा दिया, इन लोगों ने इमन को धोखा दिया, इमन ने मुझे। चलो मैं कॉफी टेस्ट करूँ कैसी है। एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है दिसंबर के 10 तारीख। ये तो पूरा ही कुत्तों के डॉक्टर हो गए तुम। डॉक्टर जी ये अब्बा वाले जा रहे हैं रिक्शा में और ये हमारी रिक्शा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त वर्नी वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। ये देखो साइड में रिक्शा, इधर दुकान और हम लोग निकल पड़े हैं। सुबह सुबह हमारी गाड़ी थी कलर करने के लिए, तो गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं। मेरे कान बंद है, ठंड लग गई है। मैं ज़ोर से बोल रही हूँ, सुनाई देगा कि नहीं देगा? नहीं तो एडिटिंग में आवाज़ बढ़ा देंगे। तो अभी बस सुबह सुबह बहुत दिनों के बाद निकले, अभी रिक्शा वाले का सर लग जाता। कैमरा का स्टैंड इतना बड़ा खोला हुआ है कि इन बेचारे का सर लग जाता, बताए बच गया। नहीं तो मुझे गाली। तो आपसे मिलते हैं डायरेक्ट उस जगह पे, अभी इंजॉयिंग सूरज। रास्ते में चलते चलते देखो पिज़्ज़ा हट भी दिख गया, फिर एपेक्स दिख गया, येलो दुकान दिख गया। इधर इधर मेरा दिल करता है जाऊँ, खाऊँ पीऊँ शॉपिंग करूँ, लेकिन हम लोग निकले काम से। सो चलो सबसे पहले अपना काम करके आते हैं, सी यू लेटर। फाइनली हम आ गए जहाँ आना था गाड़ी लेने, और इधर बहुत ज़्यादा धूप है, ऐसे धूप है कि सन ब्लॉक भी नहीं लगा। ये इमोन के पैसे भी गिर गए। और यहाँ पे रास्ता इतना ख़तरनाक था कि रिक्शा इतना ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। मैंने कहा इतने थोड़े से रास्ते में हम लोग पैदल आ जाते, बाकी सारा रास्ता अच्छा था। गाड़ी कब दी थी हमने? लास्ट महीने के 18 तारीख दिया। लास्ट महीने के 18 को दिया था, तो अभी तो अच्छा खासा एक महीना हो गया। लोगों ने लेट किया वो। चलो कोई बात नहीं, अच्छा कलर हो बस, देखना कोई कलर वाला डिफेक्ट ना हो। चलो चेकिंग करेंगे, इसलिए हम भी आए साथ में। मेरी आंखें ना माशाल्लाह से पकड़ लेज़र वाली आंखें पकड़ लूँगी। ये हमारी गाड़ी और धूल है बहुत। क्यों इमान इतना धूल, ब्लैक कलर कराया है, साफ़ करना पड़ेगा तो इसको, पूरा धूल है। ये है जगह जहाँ पे गाड़ियाँ साफ होती है कलर वगैरह। गाड़ी लेने आए हैं लेकिन गाड़ी अभी नहीं मिलेगी, शाम को 4 बजे मिलेगी। वापस अभी ऐसे ही जाना पड़ेगा, पता नहीं कलर वगैरह हो गया लेकिन सर्विसिंग नहीं हुआ अभी तक, सफाई नहीं हुई, तो वही चेक कर रहे हैं, फिर बस निकल जाएंगे। अभी इसको पूरा धोएंगे, धोना साफ करेगा, तो हम लोग गाड़ी लेके ही जाएंगे कि वापस आएंगे फिर से, पता नहीं चल रहा है, बोल रहे शाम को देगा। तो अभी क्या करें, इमोन तो रोने जैसा हो गया। डोंट क्राई इमोन, प्लीज डोंट क्राई। गाड़ी मिली नहीं, 1.5 घंटा वेट किया, इतना इमोन ने वेट कराया मुझे। मैं रिक्शा करके घर चली जाती तो मुझे इमोन ने धोखा दिया, इन लोगों ने इमोन को धोखा दिया, इमोन ने मुझे। इमोन ने बोला कि आज ही गाड़ी मिलेगी लेकिन नहीं मिली, शाम को मिलेगी। अभी आज ही मिलेगा लेकिन शाम को, मुझे तो यकीन नहीं है शाम को भी मिलेगा, लिख लो मुझे। फ्रेंड्स इधर ना मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ, और इस वाले टेरेस पे ये जो है ना सिंधी आम है ना, सिंधी जो सिंध से लेके आई थी हैदराबाद से, मेरे घर के आम को काट के खा के ड्राई करके उसका अंदर वाला सीड उससे उगाया, ये अब्बा ने उगाया, हमने नहीं लेके आया था, लेके इमोन आया तो शौक से उगाया अब्बा ने, और दिखा मैं रही हूँ। कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह से, बहुत सिंधी अंब जो वण है खुश है, जल्दी जल्दी अंब ने असा के इन वण के किथे पोखना सी, हमारे जगह है दूसरी जगह, जमीन दूसरी जगह है ना जमीन के। और एक और दी चीज देखो, कमन 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 ये है। अभी इमोन ने उस दिन क्या बोला था, आप लोगों को कमेंट्स में भी अच्छा लगा कि हम लोग नाना नानी बनने वाले हैं। तो अभी ना इसको ना अच्छे से खिलाना पिलाना है, अंडा अंडा, अरे 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 मस्ती कर रहा है। डॉक्टर इमोन आपको क्या लगता है स्कूबी को कितने बच्चे होंगे? मिनिमम 5 बच्चा है। हाँ नॉर्मली कितने होते हैं बच्चे? 10 तक होते हैं, लेकिन मुझे लगता है एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट है दिसंबर के 10 तारीख। ये तो पूरा ही कुत्तों के डॉक्टर हो गए तुम। डॉक्टर जी इसको भी अभी हम जा रहे हैं ऊपर और मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। दिसंबर का 10 तारीख स्कूबी डू दिसंबर का 10 तारीख निकलेगा स्कूबी डू, पता है माशाल्लाह हेल्थ भी अच्छी हो गई, रास्ते के कुत्ते ने अटैक किया स्कूबी डू। अरे 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 कैसे किया अटैक? पता नहीं बहुत सारे आए थे, अरे काटा, फिर इसने भी काटा या इसने भी बहुत काटा, ये जब से प्रेग्नेंट हो गए एग्रेसिव भी हो गए। ये जब डॉग्स जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं ना तो थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत काटा।
तो ये भी एग्रेसिव हो गया है, तो मुझे डर लग रहा था काटना ले, लेकिन हमें नहीं काट रहा था, प्यार के लिए आया है, काटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हम घर आ गए हैं और खाना खाते हैं। माँ ने आज बहुत मज़े की इलिश जो है ना पल्ला फिश वो बनाई है, और वो भी प्रेशर कुकर में, तो उसके जो कांटे हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। अभी तो राइस के साथ खा रही हूँ, लेकिन रात को हम पराठे या रोटियाँ बना के खाएंगे। तो ये देखो दिखने में ही मज़ेदार लग रही है, माशाल्लाह खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। इमोन कांटा नहीं होगा, मक्खन की तरह, मक्खन की तरह हम खाएंगे भी, मक्खन लगा के पराठा। और मैगी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं अभी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून हो गया। खाना तो खा लिया, अभी कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी इस मग में पीऊँ कि इसमें पीऊँ, कम पीऊँ कि ज़्यादा पीऊँ? आई थिंक ये वाला ठीक होगा। मैगी तुम्हें लगा कि मैं ऊपर जा रही हूँ? नो मैगी, कॉफ़ी नहीं पी, अभी सिर्फ खाना खाया है। कम मैगी, कम कम कम, ये आ गया मैगी। तो फ्रेंड्स ये हो रहा है स्कूबी का खाना, अंडे और आलू। ये रही हमारी कॉफ़ी, कोई ब्राज़ीलियन कॉफ़ी है जो कि हमें फ्री में मिली थी कहीं से, ऑथेंटिक ब्राज़ीलियन कॉफ़ी। तो ये वाली हम ट्राई करते हैं आज, इसका नाम है अम्मा, अम्मा तमंजे नाले जी ब्रांड। चलो मैं कॉफ़ी टेस्ट करूँ कैसी है। कड़वा हो गया, टेस्ट करके देखो। ब्राज़ीलियन कॉफी बनाई आज मैंने, आओ। बटर बटर तो नहीं दिया था यार, बटर और घी वाली कॉफी नहीं है, ब्राज़ीलियन कॉफी है। मेरा बटर वाले कॉफी का पेट खराब हो गया। करो करो टेस्ट करो, बस उल्टी मत कर देना। ऐसे क्यों है? एक साशे डाला था और ना बहुत लाइट लगा, फिर दो साशे डाल दिए। एक बार याद है कॉफी मिली थी फ्री में कहीं से? किसी को पता नहीं चलेगा, पी लो। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मैं और आर्यन तो घर पे हैं। इमोन और अब्बा गए हैं गाड़ी लेने, तो मैं ट्रैकिंग एक एप्लीकेशन है उससे चेक करती हूँ कि इमोन अभी कहाँ पे है। चलो एक साथ करते हैं। ये रहा इमोन जो कि इस एप्लीकेशन के थ्रू चल रहा है। अभी किस एरिया में है देखूँ, ऐसे करके सोनार गाँव जनापत एरिया में। चलो इमोन मैं तुम्हें ट्रैक कर रही हूँ सबके साथ मिलके। ये देखो धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ पे एक मच्छर बैठा है। मैगी हटो हटो, मैगी हटो 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 हटो, 1 2 3 पकड़ा पकड़ा। अरे अरे तुम्हें मैंने थोड़ी मारा, मच्छर को मारा। इमोन आ गया है इतना लेट, 2 घंटे बाद आयो। भूख लगा इतना। बोलो गाड़ी मिली कि नहीं मिली? रखे हो। चल जूठे। हाँ, मिली। कैसा है कलर वाला? अच्छा है, अच्छा अच्छा है। देखना ताजिया तो पूरा टाइम बेबी को संभाल रहा था, मैं गया था गाड़ी कलर करने। और गाड़ी में जो होता है ना एक कलर का, एक होता है स्टोन कोटिंग, मतलब कलर के अंदर थोड़ा स्टोन स्टोन दिखेगा तो थोड़ा महंगा होता है, तो हम लोगों ने नॉर्मल ब्लैक कराया। लेकिन जाकर जाके देखा कि ब्लैक तो है लेकिन उसमें मच्छर कोटिंग है, तो गाड़ी गाड़ी के कलर के नीचे मच्छर भरा हुआ है, मरा हुआ मच्छर। नया गाड़ी नया कलर गया, सारे गाड़ी के अंदर मच्छर, मच्छर कोटिंग। इतना महंगा कलर करवाया, मच्छर क्या कर सकते अभी? तो मच्छर निकाल के फिर उसके ऊपर कलर सही फिर से करना पड़ेगा, कलर सही सब कुछ शुरू से करना पड़ेगा। अब्बा का क्या रिएक्शन? ऑलरेडी कितना खर्चा, ऑलरेडी का क्या रिएक्शन था? फादर बस क्या करेगा। मैं नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स मिलूंगी आपको मच्छर कोटिंग के साथ, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं। इतना खर्चा लगा, इतना खर्चा लगा, बहुत ज्यादा है क्या मच्छर? मच्छर हाँ। तो घर आते इमोन बोल रहा है कुछ खिलाओ खिलाओ खिलाओ, क्या खिलाओ इतना जल्दी में? तो जल्दी चाय के साथ रोटी, और जस्ट रोटी या फिर रोटी और अंडा। अंडा अगर करना चाहते हो, आपको करने का इतना पावर है तो करो। टिक्की वाला अंडा होता है ना गोल, वो कर सकते हो। और आज मैं चाय में डाल रही हूँ इलायची। पहले प्लान था हम दोनों खाएंगे, अभी चाय सुन के माँ भी बोला है खाएगा। जब भी घर में जिक्र हो दूध वाली चाय, मेरा हाथ, इमोन का हाथ, माँ का हाथ। अभी नेक्स्ट हमारी टीम में मुझे लगता है आर्यन भी आने वाला है, वो भी बोलेगा दूध चाय, बोतल में दूध चाय। इधर मैं अभी से शुरू कर देना, पागल हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रही है एडिटिंग, रात के बज रहे हैं 11:30। और कैसे एडिटिंग हो रही है बिहाइंड द सीन? यार थंगे में मेरे कैसे चलाना पड़ रहा है पता है, लैपटॉप ऐसे ऐसे कर रहा है सच में। यार मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा बाहर से काम करने गई थी, ये वो, अभी थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हें भी संभालना पड़ेगा बच्चा, फिर मुझे संभालना पड़ेगा, ऐसा ही चलता रहेगा।